रूस एवं यूक्रेन के मध्य भले ही युद्ध जैसे हालात बने रहे हों, लेकिन धर्म नगरी में रह रहे इन देशों के नागरिक बेखौफ हो भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं। उनका मानना है कि युद्ध किसी भी हालात में नहीं होगा, यह सिर्फ राजनैतिक वर्चस्व एवं अमेरिका द्वारा अपने आप को शक्तिशाली दर्शाने की है। वे भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन समेत पूरे विश्व में शांति बनी रहे। यूक्रेन निवासी ल्यूडमिला उर्फ लज्जावती का कहना है कि रूस यूक्रेन के मध्य का झगड़ा 7 साल पुराना है। यह आपस में दुश्मनी का नहीं बल्कि राजनैतिक वर्चस्व दिखाने का है। इस झगड़े की मूल जड़ में अमेरिका है, उसके द्वारा आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। बताया कि 7 साल पहले अमेरिका की एक कंपनी ने सरकार से अनुमति लेकर यूक्रेन में प्राकृतिक गैस के भंडार का पता लगाने के लिए प्रोजेक्ट की शुरू किया था, जिसमें उसे काफ़ी बड़ा गैस भंडार मिल गया। इसके बाद से अमेरिका ने यूक्रेन सरकार को अपने पक्ष में कर लिया और गैस भंडारण वाले क्षेत्र पर अपना एकाधिकार करने की कोशिश शुरू कर दी। बताया कि उक्त स्थान पर रशियन मूल के लोगों आबादी अधिक होने के चलते अमेरिका के प्रयास का विरोध होने लगा। इस पर अमेरिका ने यूक्रेन सरकार पर दबाव बनाकर वहाँ के लोग पर हमला शुरू कर दिए। वहाँ गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। इसमें अब तक हजारों रशियन मूल के लोगों की मौत हो चुकी है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। तरह का रवैया अपना रहा है। हाँ, ये है यूएस अपनी तानाशाही दिखाना चाहता है पूरे विश्व को। यूएस इसमें सारा कंट्री अपना नोस पुट कर दिए। इसमें क्या, क्यों इसमें यूएस का अलग कंट्री है, क्यों दूसरा कंट्री प्रवोक करती है, इसलिए प्रोवोकेशन का है। प्रोवोकेशन अमेरिका को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। अमेरिका अलग से करना चाहिए, अपना काम करो अपना कंट्री में, बस क्यों दूसरा कंट्री परेशानी करती है। 7 साल में यूक्रेन पूरा इकोनॉमिक नीचे हो गया, पूरा हो गया। वो सारा क्या फैक्ट्री है, सारा सेल हो गया। जो गैस कंपनी है जो यूक्रेन में आई है, हाँ, तो वो अमेरिकन कंपनी है या कहाँ का है? ये वाला क्या गैस है, इसमें रशियन गैस है, इसमें पहले सोवियत यूनियन का है। वो गैस इसमें क्या बुरिन किया, ये वाला ये जो कंपनी है वो कहाँ का है? अभी वो वाला अमेरिकन कंपनी बुरिन किया जी, बट उसके बाद समझिए कुछ नहीं होगा उसके। तो सारा इसमें एक क्या बंक नोट कुछ पेपर बनाया था, सारा सेल किया बस। यूरोपियन मतलब चितन किया यूरोपियन लोग इसमें है। तो आपका इस पे क्या कहना है? इसमें क्या है, इसमें यूक्रेन से 7 साल हो गया। मैं इसमें सोशल सिविल वॉर है, सिविल युद्ध है। इसमें मतलब यूक्रेन गवर्नमेंट अपना यूक्रेन के लोग बॉम्बिंग करती है। इसमें क्यों है, इसे सम पॉलिटिशियन गेम है। इसमें पॉलिटिशियन गेम क्या, कौन कर दिया इसमें? यूएस अमेरिकन लोग, अमेरिकन गवर्नमेंट इसमें इसे पार्ट चाहिए। क्यों चाहिए, वहाँ से गैस है, तो इसलिए इसे एक कंपनी शेल कंपनी गैस कंपनी का यूएस का है। वाला इसमें 7 साल आए थे, पहले आए थे, उसे बुरिन किया, गैस मिल गया, तो इसलिए कुछ डिस्प्यूट हो गया इसे वो लोग नहीं चाहिए देना। मतलब इसमें अपना जहाँ है अपना जमीन है, क्यों दूसरी के देना? कोई बाहर के आएगा तो तुम जाओ, मेरे तुम्हारे जमीन चाहिए क्या है? तो इसलिए वहाँ से 7 साल हो गया, इसमें सिविल वॉर है, सिविल युद्ध है, बॉम्बिंग है। इसमें नहीं है, इसमें हर दिन बॉम्बिंग, बहुत लोग इसमें डेथ हो गया। वो अभी इसमें एक हफ्ता ज़्यादा बॉम्बिंग हो गया। यूके गवर्नमेंट कीव में, यूक्रेन को कैपिटल, 20 और 25 एयरक्राफ्ट सेंड किया, पूरा टैंक और सारा आर्मी वाइपेंस विद स्पेशलिस्ट, मतलब
अमेरिकन आर्मी वहाँ भी आ गए, तो यूक्रेन अपना यूक्रेन बॉम्बिंग कर दिया, रशिया क्या मतलबी है, तो वाला इसमें डोनेट्स्क एंड लुगांस्क ये रीजन है, ये तो इसमें डिस्प्यूशन का है, वो बहुत बार इसमें रशिया में रिक्वेस्ट किया, प्लीज एक्सेप्ट अपना अलग रिपब्लिक, मतलब इसमें वो क्या चाहिए, लोग क्या चाहिए, लुगांस्क एंड डोनेट्स्क रिपब्लिक ऑटोनॉमिक रिपब्लिक अंडर यूक्रेन, यूक्रेन एक्सेप्ट नहीं किया, बॉम्बिंग बॉम्बिंग किया बहुत, इतने 7 मिलियन लोग हैं वहाँ पे, बहुत चिल्ड्रेन डेथ हो गया, वो इसमें ये है, इसमें मतलब है, देख लीजिए अपने इसमें पार्लियामेंट में मीटिंग पार्लियामेंट का, हाँ तो 7 साल में आधा टेबल यूक्रेन का गवर्नमेंट है, आधा टेबल यूएस का जनरल्स है, आर्मी जनरल्स है, तो इसे है क्या कोई कंट्री है, इसे कोई कंट्री भी नहीं है, इंडिया पार्लियामेंट है इंडियन लोग है, रशिया का पार्लियामेंट है रशियन लोग है, यूक्रेनियन पार्लियामेंट है आधा रशियन आधा यूक्रेनियन है आधा अमेरिकन है, अमेरिकन क्या है, तो किसकी फायदा है युद्ध करना, यूएस का है, इसमें क्या वो वाला आर्मी डेपुट आर्मी आर्मी चाहिए वहां पे, इससे बहुत लोग इस जो यूक्रेन में जो कुछ लोग परेशान हैं, यूक्रेन अमेरिका के माध्यम से परेशान हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए रूस इस तरह का प्रयास कर रहा है। हाँ इसमें बचाना के लिए इसमें रूस प्रयास किया यूक्रेन का लोग, इसमें मतलब ये वाला अलग से ये रिपब्लिक है, अभी ये जो दो रिपब्लिक अलग किए हैं, अलग किए यूक्रेन से अलग हुए हैं, अभी तो तक, हाँ वो इसमें क्या अलग से है बात यूक्रेन के अंदर, तो परसों रात को इसमें पुतिन ने इसमें सिग्नेचर किए, ठीक है मैं एक्सेप्ट, ये वाला रिपब्लिक अलग से है बस ये है, अब इसके दो रिपब्लिक अलग होने के बाद में अब क्या लगता है आपको कि वहाँ पे शांति कायम होगी? इसमें क्या शांति, सब लोग चाहिए शांति, इसमें क्या इसमें ब्रदर सिस्टर है यूक्रेन ब्रदर, इससे सारा मिक्स का है, क्या युद्ध करना, देख लो मेरे पिताजी यूक्रेन का है, माताजी रशिया के है, क्या फाइटिंग करना चाहिए, इसमें सारा इसमें लोग इसमें एक ही है, तो होप है युद्ध खत्म हो जाएगा, बट यूएस बहुत सेंशन कर दिए, क्यों इसमें कर दिए कोई पता नहीं, हमें पता है इसमें पैसा चाहिए, युद्ध होगा तो सबसे फायदा यूएस आ जाएगा, इतना पैसा आएगा।